गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इट इज ऑल्सो यूज ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत यूज होता है। तो आप लोग जो हैं इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। इस चैप्टर को मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आप पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउडेड, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउडेड। पहले तो मैं इसको आपको आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर मैं आपको धीरे धीरे इसमें परम्यूटेशन का यूज भी बताऊंगा कि उसी चीज को ही परम्यूटेशन भी बोलते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक थ्री डिजिट का नंबर चाहिए। अब ये वन स्पेस हो गया, ये आपका टेन स्पेस हो गया, ये आपका हंड्रेड स्पेस हो गया। और आपको किन डिजिट्स का यूज करना है, आपको इन डिजिट्स का यूज करना है। इट इज गिवन दैट गिवन डिजिट्स इट इज गिवन दैट डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन्हीं का ही यूज करना है, कहीं इसमें जीरो नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए कि मैं अगर 100 प्लेस को करूं नंबर ऑफ वेज टू फिल इन 100 प्लेस, अगर मैं 100 प्लेस पे अगर इसको करता हूं और रिपीटिशन अलाउडेड यानी कि कोई नंबर दूसरी बार भी रिपीट हो सकता है, तो आप कितने तरीके से इसको कर सकते हो, कितने नंबर आएंगे, फाइव तरीके से। फिर नंबर ऑफ वेज टू फिल, मैं अभी फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, टू फिल इन टेंथ प्लेस क्या हुआ आपका, ये भी पांच तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज टू फिल इन वन स्पेस, इसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं, फाइव तरीके से। अब बाय द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बाई FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर कौन सा रूल लग रहा है आपको, मल्टीप्लीकेशन का रूल लग रहा है, 5 × 5 × 5 यानी 125। अब अगर यही क्वेश्चन आपका होता, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउडेड, तो यहां पे क्या लिखते हैं आप लोग, नंबर ऑफ वेज इन 100 प्लेस, ये तो 5 होगा, ये तो आपका 5 तरीके से फिल होगा प्लेस। नंबर ऑफ वेज इन टू फिल इन 10th प्लेस क्या होगा आपका, 4 तरीके से, क्योंकि जब एक नंबर यहां आ चुका है तो अब आपके पास कितने डिजिट्स बचेंगी, अब आपके पास बचेंगी 4। ऐसे ही नंबर ऑफ वेज टू फिल इन वन स्पेस, ये क्या होता है आपका, 3, क्योंकि जब आप एक डिजिट का और यूज कर चुके होगे तो आपके पास कितने डिजिट बचेंगी, 3। अब बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5 × 4 × 3, ये सब लिखिएगा यहां पे, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 60। एक जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो 125, और जब रिपीटिशन जो है आपका इज नॉट अलाउडेड तो 60 आएगा। अब मैं धीरे से आपको इसी क्वेश्चन को ही आपको परम्यूटेशन, ये तो आपने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज किया, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n^r। मैंने आपको परम्यूटेशन में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि आपके पास जो आपके पास डिजिट्स हैं वो कितनी है, 5 है, और आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो यानी क्या हुआ, 5 क्यूब इक्वल टू 125।
बिल्कुल ऐसे ही अब यहां आ जाइए, यहां पर क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, 5p3 को जब आप सॉल्व करेंगे, 5p3 को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए आपका 5 × 4 × 3 आ जाएगा आंसर। मेरा ये कहने का मतलब है इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही मैं आपको परमुटेशन के सेंस में ये बात बता दे रहा हूं कि इसका मतलब होता है 5p3 और इसका मतलब होता है n^r। यानी कि जो आपने फार्मूले पढ़े हैं अब आप उसको ये देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं फार्मूले। नोट कर लीजिए इसको, हाउ मेनी 3 digits इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड यानी कि रिपीटिशन इज अलाउड। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। आंसर 2, हाउ मेनी 3 digit इवन नंबर्स, पहले तो आप 3 digit का एक आप यहां ये बना लीजिए, आपको की बात दे रखी है डिजिट 6, तो इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ डिजिट्स 6 दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये आपका वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस और ये आपका 100 प्लेस। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर में जो वंस प्लेस होगा वो आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो हम लोग यहां स्टार्ट करते हैं, यहां पर स्टार्टिंग करिए वंस प्लेस से। नंबर ऑफ वेज टू फिल इन वंस प्लेस, टू फिल इन वंस प्लेस, यहां पर रिपीटिशन क्या है, अलाउडेड है, तो होने दीजिए। लेकिन यहां पर अगर आपका क्या ये आपको जो भी बनाना है वो 3 digit नंबर नहीं बनाना है, 3 digit इवन नंबर बनाना है। तो एक तो 2 आ सकता है, एक 4 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, यानी कितने नंबर आ सकते हैं, 3 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई नंबर अगर आता है तो वो ऑड हो जाएगा, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू फिल इन टेंस प्लेस, अब यहां क्या होगा, रिपीटिशन अलाउडेड है तो यहां पर 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू फिल इन 100 प्लेस इक्वल टू क्या होगा, यहां पर भी 6 होगा। अब बाई द एफपीसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या होगा आपका आंसर इसका, 3 × 6 × 6 तो ये 18 6 8 48 108 आएगा आंसर। अब अगर यही क्वेश्चन होता आपका कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड तो यहां पर 3 आता, अब फिर यहां पर क्या आता, नंबर ऑफ वेज टू फिल इन 10 स्पेस यहां 5 आता, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल इन 100 प्लेस यहां पे क्या आता, यहां पर 3 आता, यहां 5 आता, यहां 4 आता, 3 × 5 × 4 होता जब रिपीटिशन जो है इशन इज नॉट अलाउडेड, 3 × 5 × 4 रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड, तब आपका आंसर 3 × 5 × 4 आता। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 4-letter code कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 letters ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता, यहां पर हो सकता था, यहां पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना, यानी रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड। तो हम लोग यहां पर पहले एक 4 places का एक जो है यहां पर हमें 4-letter code बनाना है। यहां जैसे अभी आपने बाकी क्वेश्चंस में 3-digit number बताया, यहां पे 4-letter code बनाना है हमें, ठीक है। फर्स्ट 10 letter है मेरे पास, तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये आपका सेकंड प्लेस है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल इन फर्स्ट प्लेस क्या हो जाएगा आपका, 10 तरीके से हम लोग इसको भर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज टू फिल इन सेकंड प्लेस, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटिशन अलाउड होता
तो यहाँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर 4 इसका आंसर आता, लेकिन यहां पर रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड। इन थर्ड प्लेस 8 हो जाएगा और फोर्थ प्लेस आपका 7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इसका आंसर आएगा वो यहां लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसी में ही इसका सेंस ही आपका परमुटेशन का होगा। आपको बताना है कितने कितने तरीके से इस तरीके के लेटर कोड बनाए जा सकते हैं। तो इसका आपको पता है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड, तो यानी क्या होगा इसका आंसर 10P4। जब आप 10P4 को सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा। आप चाहे तो देख लीजिए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा इसे और आपका ये आ जाएगा। मेरा सेंस ये है पढ़ाने का कि इसका मतलब ही आपका NPR होता है। और अगर यही क्वेश्चन आपका रिपीटिशन इज अलाउडेड होता तो मैं n टू दी पावर r कर देता, यानी कि 10 टू दी पावर 4। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड। तो 5 डिजिट का फोन नंबर एक है, आपको हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर आपको बनाना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो भाई 6 और 7 तो 6 हो गए आपके, और ये आपके 2 डिजिट कम भी हो गए। 0 to 9 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ डिजिट 10, दैट इज 0, 1, 2, 3, so on 9। 0 से 9 में कितने डिजिट होंगे आपके, 10। अब 10 में से 2 कम हुए। अब मान लीजिए ये प्लेस आपका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो नंबर ऑफ वेज टू फिल इन थर्ड प्लेस क्या हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे रिपीटिशन जो है अलाउड नहीं है। तो 2 रिजल्ट तो आप पे कम हुए, 10 में से 2 कम हुए, 8 हो गया। तो यहां पर 8 तरीके से बढ़ सकते हैं हम लोग। अब नंबर ऑफ वेज टू फिल इन फोर्थ प्लेस, फोर्थ प्लेस क्या हुआ आपका, अब 7 हो जाएगा आपका। नंबर ऑफ वेज टू फिल इन फिफ्थ प्लेस ये आपका 6 हो जाएगा। तो बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या होगा आपका, 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा। अब अगर यही क्वेश्चन होता आपका कि रिपीटिशन इज अलाउडेड, पर अगर 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि अगर रिपीटिशन आपका अलाउड होगा तो यहां पर आपको भरने के लिए कितने प्लेस होते, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आपका आंसर आता। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 5। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। अगर किसी कॉइन को आप 3 बार उछाल लें तो आप बताइए इस प्लेस पर क्या आ सकता है, हेड टेल, इस प्लेस पर भी हेड टेल, इस प्लेस पर भी हेड टेल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, क्योंकि जब आप क्वाइन को पहली बार उछालेंगे, एक क्वाइन को देखो, लिखा एक क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, पहली बार उछाला मैंने तो हेड टेल आएगा,
दूसरी बार उछाला हेड टेल में से कोई एक आएगा, फिर तीसरी बार उछाला तो हेड टेल में से कोई एक आएगा, तो टू बाई एफपीसी बाई एफपीसी बाई एफपीसी टू इंटू टू इंटू टू यानी एट आएगा आंसर। यहां पर ये कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चों, एन टू दी पावर आर, एन क्या है हमारे पास, एन क्या है हमारे पास बच्चों, एन है हमारे पास टू क्यू, क्योंकि जो हमारे पास आउटकम्स है वो हेड या टेल आ सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, टू क्यू होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, यहां पर बच्चे थ्री स्क्वायर लिख देते हैं, थ्री स्क्वायर नहीं है बच्चों। देखिए ध्यान से, आपके पास यहां पे कितने प्लेस हैं, आपके पास तीन प्लेस हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जब आपने पहली बार सिक्के को छाला तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, टू इंटू टू है, सिक्का एक है, एक सिक्के को छाला हेड टेल, एक सिक्के को छाला हेड टेल, एक सिक्के को छाला हेड टेल, टू इंटू टू इंटू टू यानी कि टू क्यू। जब आपने पहली बार सिक्के को छाला तो यहां पर क्या आएगा, हेड या टेल। जब आप दूसरी बार सिक्के को छालेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन है हेड या टेल। जब आप तीसरी बार छालेंगे तो भी आपके पास ऑप्शन क्या है, हेड या टेल, यानी कि टू इंटू टू इंटू टू यानी कि टू क्यू इक्वल टू एट, ये कहने का मेरा मतलब है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास जीरो से लेकर के नाइन तक रिजल्ट होते और मैं आपसे कहता कि रिपीटिशन इज अलाउडेड, तो आपके पास इसके लिए कितने ऑप्शन होते, टेन, तो हमारे लिए इसके इसके पास कितने ऑप्शन है, टू, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, यहां पर आप देखिए कि कितने ऑप्शन है आपके पास। मेरे पास इस बॉक्स को बनने के लिए अगर मेरे पास डिजिट्स होते जीरो टू नाइन, तो यहां क्या होगा, टेन इंटू टेन इंटू टेन, ठीक है, तो क्या होगा, टेन क्यूब इसका आंसर आता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, तीन बार। अगर यही सिक्का चार बार उछाला होता तो क्या होता, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी कि इसका आंसर क्या आता, सिक्सटीन आता। नोट करिए, गिवन फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, पांच फ्लैग हैं और वो क्या है, डिफरेंट है, यानी सब अलग अलग रंगों के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाई इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स। अच्छा, दो फ्लैग को दिखाने पर हम लोग जो है एक सिग्नल मान लेते हैं, वन बिलो टू अदर, ठीक है। यानी कि इस टाइप से अगर मैं दिखाऊंगा, समझ लीजिए आपका टू डिजिट नंबर है, समझ लीजिए आपका सिग्नल है और डिफरेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पांचों फ्लैग क्या है, डिफरेंट है, यानी कि रिपीट होने का आपका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पांचों जो फ्लैग है वो डिफरेंट है। यानी कि अगर मैं सिग्नल बनाता हूं, ठीक है, नंबर ऑफ, ये मान लीजिए फर्स्ट प्लेस है और ये मान लीजिए सेकंड प्लेस है सिग्नल की, नंबर ऑफ वेज टू मेक द सिग्नल इन फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन पर मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे, फाइव। अब सेकंड नंबर ऑफ वेज, अब एक तो मेरे पास पांचों जो फ्लैग हैं वो क्या है, डिफरेंट है। जब एक यहां आ गया, लिखा हुआ है डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट सिग्नल, ये मेन चीज है, डिफरेंट सिग्नल होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों ही आपने लाल दिखा दिए। पहली बात तो पांचों फ्लैग अलग अलग हैं और आपको सिग्नल भी डिफरेंट देना है, तो नंबर ऑफ वेज टू मेक द सिग्नल इन सेकेंड पोजिशन क्या होगा। अब आपके पास कितने ऑप्शन आएंगे, फोर, तो फाइव इंटू फोर ये आपका फोर आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, बाई एफ पी सी टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या होगा, फाइव इंटू फोर यानी कि ट्वेंटी, यानी इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फाइव पी टू कैसे होगा, देखिए ये लिखा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल और ये आपका हो गया थ्री फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ट्वेंटी आ गया। नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था ये।
ये आपका डिफरेंट सिग्नल दिखा रहा है, आपको बनाने भी डिफरेंट सिग्नल है और जो आपके पास फ्लैग है वो भी डिफरेंट है। ये इंपॉर्टेंट चीज है।